अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर दाल से एक नया रेसिपी। यह है 1 कप लेफ़्ट ओवर अरहर की दाल। इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 कप सूजी, आधा कप दही, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब हम इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसी तरह पीसना है ताकि कोई दाल के दाने दिखाई ना दे। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे डोसे में होती है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सचर जार में हम डालेंगे आधा कप भुने हुए मूंगफली के दाने, साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा कप पानी। अब हम इसको हल्का दर दरा पीस लेंगे। चटनी पीसकर तैयार हो गई। अभी थोड़ा सा गाढ़ी है तो थोड़ा सा जार में पानी डालकर ले लेते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसका तड़का लगा लेंगे। मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों के दाने, 2 सूखी लाल मिर्च और 5-6 करी पत्ता। फ्लेम बंद कर देंगे और ये तड़का चटनी के ऊपर डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। चटनी तैयार हो गई। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी फूल कर तैयार हो गई है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर टिश्यू से पोंछ लेंगे। बैटर फैलने से पहले गरम पैन को ठंडा करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा पानी और पानी को पोंछ देंगे ताकि ऊपर का लेयर थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके ऊपर हम डालेंगे 3 चम्मच बैटर और अच्छे से फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके चारों ओर थोड़ा सा तेल डालेंगे और नीच की ओर से अच्छे ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर और प्याज की स्टफिंग। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कैसे लगे मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।